हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 15 फरवरी, जी हाँ 15 फरवरी 2020 के इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का पेज का एनालिसिस करेंगे। कल हम ये नहीं कर पाए थे, लेकिन करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे डच रूलिंग, व्हाट आर डच रूलिंग मीन्स फॉर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन स्कीम्स वर्ल्ड वाइड। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है और कि किसी कोर्ट ने किसी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म के खिलाफ जजमेंट दिए, रूलिंग दिए। ये कोर्ट नीदरलैंड्स की है और डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म सिस्टम जो था उसका नाम है सिस्टम रिस्क इंडिकेटर, जिसको SyRi भी कहा जा रहा है, सिस्टम रिस्क इंडिकेटर। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। अब इसके खिलाफ रूलिंग क्यों आई? क्योंकि इसमें कोर्ट को लगा कि डाटा प्राइवेसी का हनन हो रहा है और मानव अधिकारों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चिंताएं आ रही थी, ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स निकल के आ रहे थे। डच मिनिस्ट्री है सोशल अफेयर्स की, 2014 में इन्होंने ये सिस्टम बनाया था ताकि, जैसे हमारे आधार कार्ड है, आधार कार्ड लाया था सरकार ने ये बोल के कि जो स्कीम्स में फ्रॉड लोग होते हैं, जो ज़बरदस्ती पैसा स्कीम से उठाते हैं जबकि वो इंटेंडेड बेनिफिशरी नहीं है, तो बेनिफिशियरी का पैसा वो खा जाते हैं, उनको हटाने के लिए आधार कार्ड लाया गया ताकि पैसा सही जगह सही लोगों के पास सही वक्त में पहुंचे। लेकिन अब ये जो सिस्टम था रिस्क इंडिकेटर SyRi, ये भी इस तरह का ही है लेकिन आधार कार्ड से अलग है। बेसिकली इसके अंदर ऑब्जेक्टिव तो वही है कि फ्रॉड लोगों को हटाया जाए जो कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेते हैं ज़बरदस्ती। काम कैसे करता है? बेसिकली ये क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एल्गोरिदम इसमें होता है। ये बेसिकली एक पैटर्न अपनाता है जिसमें वो ये देखता है कि कौन की जो आदमी है उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है, टैक्स कितना देता है, वो ज़मीन कितनी है। फिर गवर्नमेंट उस पर एक रिस्क स्कोर देती है कि इस आदमी के ऊपर एक रिस्क है, ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर सकता है। और जो कैलकुलेटेड रिस्क स्कोर्स आते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भेज दिए जाते हैं और फिर ये गवर्नमेंट डाटाबेस मैक्सिमम 2 साल तक रहता है, फिर जो है रिन्यू हो जाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन भी अगर करना चाहे सरकार तो कर सकती है उस आदमी के ऊपर। कोर्ट ने कहा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, मान लिया कि ये फ्रॉड रोकती है लेकिन ये इन्वेजिव है। लैंड प्राइवेसी और टैक्सेस और कितनी चीज़ें आप एक इंसान की ले रहे हो, तो प्राइवेसी का तो हनन आप कर ही रहे हो। वो प्राइवेसी की गारंटी जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स लॉ ने दी हुई है, नीदरलैंड्स जहाँ तक मुझे पता है यूरोपियन यूनियन के साथ 1958 से जुड़ा हुआ है, इसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है और लैंग्वेज डच है। नीदरलैंड्स ह्यूमन राइट्स का काफ़ी ख्याल रखता है, बेसिकली यूरोपियन यूनियन पूरा ह्यूमन राइट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। यूरोपियन ह्यूमन राइट्स लॉ और यूरोपियन यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन दोनों प्राइवेसी बनाने की बातें करते हैं, प्राइवेसी की गारंटी देते हैं लोगों को, लेकिन इन प्राइवेसी की गारंटीज को वॉयलेट किया जा रहा था इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये जो एल्गोरिथम है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का जो पैरामीटर्स है, जो सॉफ्टवेयर में पैटर्न है, वो ये देखता है कि किसी आदमी की गरीबी कितनी है, क्या जो ज़्यादा गरीब होगा उस पर ज़्यादा फ्रॉड रिस्क लगा दिया जाएगा, जो ज़्यादा दिखेगा किसी की एक्टिविटी अगर शक की नज़र में आएगी तो उस पर ज़्यादा रिस्क स्कोर दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एल्गोरिथम है, जो पैटर्न है, जो सरकार यूज करती है ये देखने के लिए कि कौन सा आदमी फ्रॉड है या नहीं है, ये एल्गोरिथम सरकार कभी भी पब्लिक में ओपन नहीं करती। इस वजह से सर कोर्ट ने कहा कि अगर आप पब्लिक को ये सिस्टम नहीं बताओगे कि आप क्या यूज कर रहे हो, कौन से पैटर्न यूज कर रहे हो उनको स्कोर देने के लिए, तो आप प्राइवेसी नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम ओपेक बना रहे हो। इसके पक्ष में सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर पैटर्न और एल्गोरिथम अगर हम पब्लिक में डाल देंगे तो जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो लूप होल निकालने की कोशिश इसमें कर लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाएगी कि एक बार पता चल गया कि आदमी का रिस्क स्कोर इतना है तो उसको हम जेल में डाल देंगे, केवल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको अपराधी घोषित कर दिया। डच मिनिस्ट्री है सोशल अफेयर्स की, उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया है, उन्होंने कहा है कि ये रूल पढ़ेंगे और कंप्लीट रिव्यूमल जो है करेंगे इस सिस्टम का, तो कोर्ट की बात इन्होंने मानी है। इस रूलिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? मैं कहता हूँ भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। ये एक उदाहरण पेश करता है कि डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की पालना किस तरीके से की जा सकती है और किस तरीके से इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है गवर्नमेंट के सर्विलियंस के खिलाफ। और जो यूरोपियन टेक इनिशिएटिव्स हैं
जैसे कि जो प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, जैसे फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसको भी यहाँ पे बैन लगाने की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के द्वारा, जिसमें मैंने बात की थी कि स्वीडन और फ्रांस में स्टूडेंट्स का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आया था उस पर हटाने की बात थी। तो जो रूलिंग है ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रेसिडेंट है और कंट्रीज़ के लिए कि ये देखो इस तरीके से लोगों की प्राइवेसी का हनन रोका जाता है और ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स रोके जाते हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरा मिसयूज ना हो सके, खास करके वेलफेयर अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको भी रोकने की कोशिश की गई। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव आर्म्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वो बैलेंस करके चले एक तो सिक्योरिटी को और साथ ही साथ उनके सिटीजन्स के राइट्स को। भाई देश में सिक्योरिटी ज़रूरी है, फ्रॉड जो लोग हैं उनको स्कीम से दूर करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो सिटीजन से उनके राइट्स का हनन करो, प्राइवेसी का हनन करो। तो बैलेंस बना के चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। भारत में तो डाटा प्रोटेक्शन जो लॉ है कॉम्प्रहेंसिव तरीके से अभी आया नहीं है, उस पर अभी जो है डिबेट चल रही है, कमेटी के पास गया है वो। तो जब तक, और उसमें भी अगर आने के वो आ भी गया ना, उसके बावजूद भी उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं कि हम अपनी प्राइवेसी बचा सकें। हो सकता है कमेटी अपनी तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स दे दें, लेकिन जो बिल अभी प्रेजेंट में मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं। सरकार प्राइवेसी का हनन कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तो नेशनल सिक्योरिटी और ये जो टर्म्स हैं आज इतने वैग्यू हो गए हैं, आज इतने ये ओपेक टर्म्स हैं कि इनका कोई भी मतलब, सरकार नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके किसी भी चीज़ पे कोई भी किसी भी आदमी पे कुछ भी जो है कर सकती है। क्या मतलब, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उसको कुछ जेल में डाल सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उसकी प्राइवेसी का हनन कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उसका मैसेज इंटरसेप्ट कर सकती है। अभी पीगस सॉफ्टवेयर का केस आया था, इसमें ये देखा गया था कि जो पीगस सॉफ्टवेयर है वो इजरायली फर्म के द्वारा बनाया जाता है और फर्म ये कहती है कि हम केवल ये सॉफ्टवेयर सरकारों को बेचते हैं। तो भारत में अगर लोगों का व्हाट्सअप हैक हुआ पीगस के जरिए, तो सरकार अगर उस सॉफ्टवेयर को यूज करती है केवल और केवल सरकार, तो सरकार पर तो सवाल उठेंगे ही। तो ये कई तरह के सवाल उठते हैं। आधार जजमेंट हमारा आया, आधार जजमेंट केवल डाटा कलेक्शन के ऊपर था, इस एल्गोरिथम में सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं था। तो ये काफ़ी नहीं है जजमेंट, हमको इसके लिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से लाना पड़ेगा। अभी जो बिल है हमारा वो यूएसए की जैसा ही है, इसमें कई सारे लूप होल्स मौजूद हैं। हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो हैं डाटा प्रोटेक्शन लॉ ला तो रहे हैं, लेकिन उसमें कई सारे लूप होल जो हैं उनको हम समाधान निकाल सकें। नासा ने कई सारे अभी 4 डिस्कवरी प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन सेलेक्ट किए हैं जो कि न्यू इसके मिशंस होंगे, और 2 मिशन वीनस के लिए हैं, 1 जुपिटर के मून लू के लिए है और नेपच्यून का मून ट्रिटन के लिए है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक मिशन के बारे में पढ़ते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो अगले साल होगा। विच मैच करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं कि करेक्टली इनको मैच करो, उनमें ये आ सकता है क्वेश्चन, जैसे दाविंसी जो नाम है इसका, दाविंसी प्लस, इसमें बेसिकली इसका फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग प्लस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बेसिकली इसमें वीनस का एटमॉस्फेयर का एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि वीनस किस तरीके से बना, इवोल्व हुआ, क्या इस पर कभी समंदर था, और इससे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ेगी। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स, आपको पता होगा बीच के डिफरेंस जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी। वोल्केनो जो IVO, ये बेसिकली ये क्या है, जुपिटर का जो मून है लू, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने की बात की गई है। काफ़ी ये जो मून है वोल्केनिकली एक्टिव है, इसमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से टाइडल फोर्सेस प्लेनेटरी बॉडीज़ को शेप करती हैं। और भी ऐसा ही नहीं है कि इस मून को सर्च करने से केवल इसके बारे में पता चलेगा, और भी जो बॉडीज़ हैं, और भी जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, रॉकी बॉडीज़ हैं, आइसी ओशियन वर्ल्ड्स हैं सोलर सिस्टम में, उनके बारे में हमको फर्दर नॉलेज मिलती रहेगी। ट्रिडेंट नेपच्यून का जो एक आइसी मून है ट्रिटन, उसको एक्सप्लोर करने की इसमें प्लानिंग है, एम है। साइंटिस्ट इससे समझेंगे किस तरीके सोलर सिस्टम में ये दुनिया बनी, किस तरीके से ऐसे जो है बॉडीज़ निकल के आई। वेरितास की फुल फॉर्म है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी, ये एक फुल फॉर्म है। मुझे लगता है कि फुल फॉर्म इतनी हार्ड है कि आपको याद नहीं होगी, और ज़रूरी भी नहीं है याद करनी, लेकिन आप इतना ज़रूर देख सकते हैं कि वेरितास वीनस के लिए हैं, ट्रिडेंट नेपच्यून के आईसी मून के लिए हैं, और IVO जुपिटर के मून के लिए हैं, और दाविंसी वीनस के लिए हैं। तो दाविंसी और वेरितास दोनों वीनस के लिए हैं, आपको याद रखना है, ट्रिडेंट नेपच्यून के लिए हैं और IVO जुपिटर के मून के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, और इस वेरितास में ये देखा जाएगा कि वीनस का सरफेस अर्थ की सरफेस से इतना अलग क्यों है, वीनस क्यों अर्थ से इतना डिफरेंटली डेवलप हुआ।
वाई दिस अंटार्कटिक ट्रिप मैटर्स। साउथ अफ्रीका का एक ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है, समुद्री जहाज है, रिसर्च वेसल है बेसिकली, जिसको नाम दिया गया है ऐसे अगुलस। अब ये साउथ अफ्रीका अगुलस ये जो नाम दिया गया है, और ये जाके रिसर्च करेगा हमारा जो इंडिया का थर्ड स्टेशन है अंटार्कटिका में, भारती नाम का, वहाँ जाके। तो ये वेसल हमारी मदद करेगा किस मामले में, जो हमारा 2 महीने का इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन है साउदर्न ओशन की तरफ, ठीक है। इसके बारे में एक बार नोट्स में, एक बार एक्स्ट्रा नॉलेज में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि ये वेसल का नाम है एस ए अगुलस। 11th एक्सपेडिशन है ये इंडियन मिशन का साउदर्न ओशन यानी कि अंटार्कटिक ओशन की तरफ। पोर्ट लुइस से ये निकला है। अभी ये वेसल पार्डियस बे में लोकेटेड है, और ये पहुँचेगा भारती में, मतलब भारती जो इंडिया का थर्ड स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ पे ये लोकेटेड है, और वहाँ से जो है सारी रिसर्च करने की कोशिश करेगा ये, और ये बेसिकली अंटार्कटिक ओशन की तरफ भी जाके रिसर्च करने की कोशिश करेगा। बेसिकली अगुलस इसका नाम रखा गया है, अगुलस वार्म ओशन करंट के नाम पे, जो कि साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट की तरफ बहता है। इंडिया का अंटार्कटिक मिशन की मैं बात करूँ तो 1983 में इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम को ज्वाइन किया। 1983 में इंडिया 15th कंसल्टेटिव मेंबर बना अंटार्कटिक ट्रीटी का। अंटार्कटिका में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। 2015 में इसने अपना नया बेस खोला भारती, या आप ये नाम याद रखेंगे, मैत्री को ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और मैत्री को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ये। मैत्री बहुत पहले का सबसे पहला इंडियन बेस है, 1984 में आया था दक्षिण गंगोत्री, कमज़ोर हो गया है और इसमें जो सप्लाई बेस है वो काफ़ी कम हो गई है। अच्छा, कमज़ोर हो गया और केवल सप्लाई बेस बन गया, मतलब अगर एक्स्ट्रा रिजर्व की ज़रूरत हो तो यहाँ पे सामान रखा जा सकता है, कुछ भी अगर इक्विपमेंट वगैरह रखना हो तो। दक्षिण गंगोत्री हमारा पहला था, और लेटेस्ट हमारा 2015 में भारतीय आया था अंटार्कटिका में, आप याद रखेंगे। नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, इसमें बेसिकली इस सेंटर के ये देखता है कि ओशन की जो रिमोट एरियाज़ है उनमें किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, जो आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, और मानसून का क्या प्रभाव उसमें पड़ रहा है, ठीक है। तो साउदर्न ओशन की पूरी इन्फ्लुएंस इसमें देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस कैसे आ रहे हैं। ये जो एक्सपेडिशन, ये जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा 6 प्रोजेक्ट है, 6 कोर प्रोजेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं, हाइड्रोनॉमिक्स, बायो जियोकेमिस्ट्री, और ट्रेस गैसेस जो हेलोजीन और डिमेथल सल्फर निकलती है उनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स की स्टडी हम करेंगे, और ये भी हम देखेंगे कि साउदर्न ओशन का इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन मानसून पे, और फूड वेब किस तरीके से हैं, ठीक है, मतलब फिशिंग किस तरीके से हो रही है, फूड वेब सही है कि नहीं है, कितना इकोलॉजी को डैमेज हुआ है अब तक। इसका सिग्निफिकेंस इस वजह से भी है क्योंकि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन से निकल के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की मदद से अंटार्कटिका में और पोलर रीजन में पहुंच जाती है, वहां पे लो टेम्परेचर होता है तो वहां पे CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये CO2 ऑर्गेनिक कार्बन या इनऑर्गेनिक कार्बन में तब्दील होके, डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन में डेवलप्ड होके वापस सर्कुलेट होके ट्रॉपिकल रीजन में ही आ जाती है वाटर के थ्रू, और ये वापस एटमॉस्फेयर में रीएंटर कर जाती है। और क्योंकि अब इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो एक्सपेडिशन हेल्प करेगा हमको समझने में कि CO2 का साइक्लिक मूवमेंट ये क्या है, कितनी क्वांटिटी में आ रही है और कैसे कैसे ये एटमॉस्फेयर में रीएंटर हो रही हैं। फिर हम ये देखेंगे, अब देखो साउथर्न ओशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे मेजर ओशियंस को एक कनेक्ट करता है ना, इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, और क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, कितना ग्लेशियर इसमें पिघल रहा है, कितने आइस मेल्ट हो रही है, कितना सी लेवल इसमें बढ़ रहा है, ये जानना जरूरी है। अच्छा, हमारा नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 1998 में बनाया था। ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, गोवा में लोकेटेड है। कंट्री की जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं पोलर रीजन में, साउदर्न ओशन में, वहाँ पे ये पूरी जिम्मेदारी इसकी है। नोडल एजेंसी है ये पोलर और साउदर्न ओशन साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए देश के अंदर, और बेसिकली इसकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। जिम्मेदारियाँ ये हैं कि एक तो ये इंडिया का अंटार्कटिक रिसर्च बेसिस जैसे कि मैत्री और भारती को संभालता है, और आर्कटिक में बेस है हमारा
हिमाद्री, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ गया था जो हिमाद्री वाला बेस है हमारा वो अंटार्कटिका में है कि आर्कटिक में, देखो वो आर्कटिक में, तो मैत्री भारती ये अंटार्कटिका में है, और जो गंगोत्री हमने पढ़ा था अभी वो पहला था अंटार्कटिका में, और हिमाद्री आर्कटिक में। और इसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो मैनेज मिनिस्ट्री की रिसर्च वेसल है ORV सागर कन्या, उसका ये मैनेजमेंट संभालता है, और भी रिसर्च वेसल से इनकी जिम्मेदारियां ये लेता है। गाइज ये थी हमारी वीडियो, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।